एक बार खान देते हैं सब। ये दो उधर निकाल के गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वेलकम बैक टू माय चैनल वुडन की दुनिया में। बिंदी मेरा ना उल्टा हो गया और आज ये छुट्टी लिया था ऑफिस से और ये आज रूम पे थे, इस वजह से फ़ोन मेरे पास है आज। तो मैं सोची आज मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और सुबह से था बट सुबह से मैं कर नहीं पाई क्योंकि सुबह का शेड्यूल बहुत बहुत ज़्यादा बिजी वाला होता है क्योंकि सबको ऑफिस जाना रहता है। इनका छुट्टी था बट भैया गए थे और भी बहुत सारा काम रहता है। बाबू का भी आज तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, मौसम चेंज होने के कारण उसको फीवर और सर्दी हो गया है, इसलिए थोड़ा उसमें भी बिजी थे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम तो ये बोले कि पकौड़ी और चाय पीने का, उसके साथ पकौड़ी खाने का मन है क्योंकि बारिश का मौसम है तो इस मौसम में तो चाय और पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है। तो बोले चलिए बनाते हैं और आज हम बनाने वाले हैं पकौड़ी का सब्जी। तो वो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे बनता है पकौड़ी का सब्जी। बहुत उनको पता होगा और जिसको नहीं पता है वो देख लीजिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कैसा बना और कमेंट में बताइएगा। तो अभी हम लोग इंजॉय करेंगे चाय और पकौड़ी, उसके बाद हम आएंगे किचन में सब्जी बनाने के लिए। और मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, रेड कलर का इसका आँचल है और इस कलर का साड़ी है। साड़ी मैं इसलिए पहनी क्योंकि आज ये रूम पे थे और बहुत दिनों से साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि कंटिन्यू 10 दिन से बरसात हो रहा है। तो मैं सोची साड़ी निकालूंगी फिर वो सूखेगा नहीं, बहुत परेशानी हो जाता है, कपड़ा सूख नहीं रहा है और ऑलरेडी बाबू का इतना सारा कपड़ा हो जाता है कि सुखाने में बहुत परेशानी होता है और कम पड़ जाता है जगह, इस वजह से अपना कपड़ा थोड़ा कम यूज़ करता है। तो आज ये रूम पे थे तो सोचा साड़ी पहन लेते हैं। और ये भी मेरा हेल्प कर रहे हैं पकौड़ी छनवाने में, प्याज कटवाएं, बहुत हेल्प करते हैं। और मेरा कुछ दिन से फिर से ब्लॉग बीच में बंद हो गया था, आप लोगों को तो मैं बताई थी। तो जैसे जैसे मेरे को बीच बीच में फ़ोन मिलेगा मैं ब्लॉगिंग करूँगी और फिर कुछ दिन में ये फ़ोन ले लेंगे तो मैं फिर कंटिन्यू करूँगी। पकौड़ी की सब्जी बनानी हो तो पहले ऐसे जैसे पकौड़ी का मसाला बनता है वैसे आप लोग पकौड़ी का मसाला बना ले और उसके बाद फिर इस तरह से पकौड़ी को छान ले। और मैं ये बोल रही थी कि आप पहले पकौड़ी का ऐसे मसाला बना ले जैसे बनाते हैं, उसके पकौड़ी को छान ले, इतना तो नॉर्मल सबको पता होगा। पकौड़ी छानने के बाद फिर मैं अभी चाय और पकौड़ी खाने के बाद आगे बताऊंगी आप लोगों को कि मसाला इसका कैसे, ग्रेवी जो होता है वो कैसे बनाना है। बस पकौड़ी छान लीजिए सिंपल सा और ज़्यादा ध्यान देना है इसके ग्रेवी पे, अगर ग्रेवी अच्छा होगा तो पकौड़ी मतलब सब्जी अच्छा लगेगा, थोड़ा पकौड़ी का भी टेस्ट थोड़ा तीखा अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा। हाँ, और एक चीज़ ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप लोग, पकौड़ी में थोड़ा नमक कम डालें और अगर नमक डाल दिए हैं तो जो मसाला बनेगा ना उसका ग्रेवी जो बनेगा सब्जी का उसमें
उसमें नमक कम डालिएगा, क्योंकि अगर दोनों में नमक ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा तो सब्जी बेकार हो जाएगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा इस वजह से। तो तीखापन भी पकौड़ी में कम और नमक भी कम, ताकि मसाला में भी दोनों थोड़ा थोड़ा डालने पे मेकअप हो जाए, ठीक है। और कोई चीज़ ज़्यादा नहीं डाल देना है पकौड़ी में, और अगर डाल दिए तो फिर ग्रेवी में कम डालिएगा, ठीक है। तो मैं अभी इतना ही बताती हूँ कि पकौड़ी को ऐसे छान लीजिएगा, उसके बाद मैं चाय और पकौड़ी खाने के बाद आगे बताऊँगी कि और आगे कैसे बनेगा। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, ताकि मुझे थोड़ा हिम्मत मिले कि हाँ थोड़ा अच्छा बनाती हूँ मैं। और अगर कोई गलती भी होता है तो उसे भी बताइएगा कि हाँ ये मिस्टेक है इस वीडियो में, कि ना मज़ा आएगा ना। चलो ले चलो, मम्मा बेटू छत छत, मम्मा बेटू एक छत हो गए हैं ना। बोल तो मुझे फीवर हो गया है, मैं आज अच्छा नहीं हूँ। हाय हेलो, हाय कर रहा बेटा, हाय मेरा बेटू, हाय कर रहा है काजी। बोल तो मैं आज अच्छा नहीं हूँ, मुझे फीवर हो गया है। हाँ मम्मा बेटा प्यारी प्यारी कर रहे, प्यारी 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 जी। क्या हो रहा बेटा, क्या हो रहा है सुना, तुम मेरा लड्डू है, तुम्हें छूना छूना बेटा है काजी। अच्छे दिख रहा है। ये देखिए, इस सब्जी में डालना है कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर। हम प्याज थोड़ा ज्यादा लेते हैं, क्योंकि प्याज और टमाटर से सब्जी अच्छा लगता है, इस वजह से। मिर्चा, अगर आप लोगों को थोड़ा तीखा खाने का आदत हो, थोड़ा तीखा थोड़ा और मिर्चा ले लीजिएगा। मेरे घर में सब कोई नॉर्मल खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मिर्चा लिया है। ये है धनिया पाउडर, ये है काला मिर्च पाउडर, ये है जीरा, नमक, सॉरी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, ठीक है। और ये बोलने वाले थे हम कि पकौड़ी में ऑलरेडी नमक रहता है, इसलिए नमक थोड़ा कम लीजिएगा। वैसे बनाता है जो, उसको पता होगा। तो नमक मतलब ऐसा डालिएगा कि दोनों मिला के मिक्स हो जाए, ज़्यादा ना लगे ना कम लगे। तो ये सब हम लोग लिए हैं, और हाँ, और ये मैं डालूँगी सब्जी मसाला एवरेस्ट का, थोड़ा अच्छा लगता है। और ये सबको मैं मिक्सी में डाल के पीसूंगी। देखिए यहाँ पे पकौड़ी छान के रखे हैं हम, अब बनाना है ग्रेवी। और तेल या रिफाइंड जिसमें भी आप लोग को बनाना है वो डाल लीजिए इतना थोड़ा सा, और उसको फिर गर्म होने तक इंतज़ार कीजिए। और मैं ये रिफाइंड में पकौड़ी छानी थी वो बच गया था, इसलिए मैं रिफाइंड में ही बना दे रही हूँ सब्जी को। उसके बाद अरे कल छुल, उसके बाद इसमें डाल दीजिए जीरा, जीरा और तेज पत्ता डाल दीजिए, हल्का से इसको भूंज लीजिए, सॉरी। इसके बाद ये जो टमाटर और प्याज को हम लोग, साला
प्याज और टमाटर को जो हम लोग पीसे थे उसको डाल दीजिए इसमें। और इसको थोड़ा भूनने के मतलब थोड़ा सा चलाइए इसको पहले 5-10 मिनट तक। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट काफ़ी है। उसके बाद इसमें डाल दीजिए नमक, हल्दी और जो मसाला हम लोग रखे थे, और ये है सब्जी मसाला जो अभी मैं डाल रही हूँ। इसको डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। ये सबको डाल के अब इसको थोड़ा इसको तब तक भूंजिए जब तक ये थोड़ा ब्राउन कलर का ना हो जाए। मैं मसाला को बहुत ज़्यादा भूंजती हूँ तब जाके थोड़ा सब्जी अच्छा होता है। मैं बना रही हूँ सब्जी और भाभी बना रही है रोटी, दोनों चीज़ साथ में बन जाएगा। उसके बाद इतना सारा बर्तन है वो मैं धोऊंगी थोड़े देर में। और मैं जब मसाला को भूंजती हूँ तो ये मतलब जलने जैसा होने लगता है, तो मैं इसमें हल्का हल्का पानी डाल के और तब उसको भूंजती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं तब जाके थोड़ा ऐसा दिख रहा है, और फिर ये भूनते भूनते फिर ये सूख जाएगा पानी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ऐसा हम 2-3 बार करते हैं जब तब जाके पूरा अच्छे से ये भुंजा जाता है और बहुत टेस्टी लगता है उसके बाद खा। और यहाँ बन रहा है फ्राई करके चावल, जीरा राइस। और यहाँ मेरा हो चुका है पूरी तरह से मसाला तैयार, देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। और अब हम लोग इसमें डालेंगे पानी। आप लोग को जितना ग्रेवी चाहिए उसके इसमें थोड़ा पानी दीजिए ना, जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डालिएगा। जैसे कम आदमी है, 2-3 है तो थोड़ा चलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल सकती हूँ। और इसमें पानी डालने के बाद ठीक तो नहीं है। और हाँ, पानी सॉरी पकौड़ी रस को थोड़ा सोखता है तो उस हिसाब से पानी डालिएगा। और अब इसको थोड़ा देर हम लोग छोड़ देंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे पकौड़ी डाल के, और इसको ढक देंगे। ये देखिए इसमें आ रहा है उबाल आने लगा रस में। अब हम लोग इसमें डाल देंगे पकौड़ी। गैस को कर दीजिएगा ऑफ, उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे, इसमें हम लोग ऐसे करके डाल देंगे पकौड़ी। इजी है, बस पकौड़ी को जैसे छानते हैं वैसे छान के रख लीजिए, ग्रेवी बना लीजिए, उसके बाद इसको इसमें डाल दीजिए और बन जाएगा आप लोग का पकौड़ी का सब्जी। और इसको हम लोग ढक देंगे। भाई और अब मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि रात के बज रहे हैं 10:30, सब कोई कर रहा है डिनर। और मैं यहाँ पे अपना बाबू को लेके बैठी हूँ क्योंकि इसको सर्दी और बुखार हो गया। सर्दी हम बड़ा आदमी को हो जाता है तो वो लोग बेड पे नहीं सो पाते, तो इसको भी शायद दिक्कत हो रहा है सोने में। इस वजह से इसको गोदी में ही रिलैक्स फील हो रहा है, इस वजह से हम गोदी में इसको लिए हैं। और सब कोई कर रहा है डिनर, और अब हम लोग डिनर करने के बाद सो जाएंगे। सो गाइस, बहुत ज़्यादा रात हो चुका है और बाबू का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो अब मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय। और अब जब मेरे पास फिर फ़ोन आएगा तो मैं आप लोगों से सॉरी फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, मैं जो रेसिपी बताई सब्जी का, पकौड़ी का सब्जी, वो बहुत आदमी को पता होगा और कुछ ही आदमी होगा जिसको नहीं पता होगा कि कैसे बनता है, तो मेरे ब्लॉग में देख लीजिएगा और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारा हम ऐसा डिश बनाएंगे कुछ अलग, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बाय बाय।